प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल कहाँ पर? सिलवाल के तीन वाल होते हैं। सिलवाल में एक छोटे और नए खुलिए में सिलवाल बारीक और नाजुक होती है, लेकिन एक बड़े खुलिए में ये दबेस और सख्त हो जाती है। खुलवी दीवार जो होता है सेल वाल, या इसको हम खुलवी दीवार के नाम से जानते हैं, ये तीन तहों पर मुश्तमिल होता है। प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल एंड मिडल लमेला। प्राइमरी वाल किस तरह होता है सिलवाल के अंदर? सिलवाल के अंदर प्राइमरी वाल जो होता है वो प्राइमरी दीवार बैरूनी जानिब होती है, यानी सिलवाल के बैरूनी जानिब इसके प्राइमरी वाल होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतराफ पाई जाती है। एक नए पैदा होने वाले खुलिए के अतराफ प्राइमरी वाल ही पैदा होती है। ये नरम और लचकदार होती है। ये नए खुलिए जब पैदा होते हैं प्राइमरी दीवार बैरूनी जानिब होती है सिलवाल के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतराफ भी पाई जाती है प्राइमरी वाल। एक नए पैदा होने वाले खुलिए के अतराफ प्राइमरी वाल ही पैदा होती है। सेकेंडरी वाल एंड दरमियानी वो लमीला वो बाद में पैदा होते हैं। सबसे पहले जब सेल पैदा होते हैं नए पैदा होने वाले खुलिए, नए पैदा होने वाले सेल के अतराफ, सेल के गिर्द, यही प्राइमरी वाल या इब्तदाई वाल। प्राइमरी वाल भी इनाम इस वजह से दिया गया है, इसके अंदर प्राइमरी वाल ही पैदा होती है। ये बिल्कुल नरम होती है और इलास्टिक, इलास्टिक लचकदार होती है प्राइमरी वाल।